हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ माय करियर टिप्स। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट ओपी फ्री टू प्ले वेपन्स जो कि तुम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पांच तुमको ओपीएस्ट वेपन मिलेंगे, तो यहाँ से तुम इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि कौन से वेपन तुमको अपग्रेड करने चाहिए, कौन से वेपन तुम्हारे लिए अच्छा है एज अ फ्री टू प्ले प्लेयर और कौन से तुम यूज़ कर सकते हो। इसमें एक वार्निंग देना चाहूँगा कि इसमें टॉप 5 है, मतलब ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा अच्छा है। मैं उनकी पावर के हिसाब से उनको नहीं लूँगा। मैं सब इक्वल ही रहेंगे और सब किस के लिए क्या अच्छा है, किसके लिए क्या बुरा है, उसकी प्रोज एंड कॉन्स सब बताऊँगा मैं वेपन्स के। उनको अपग्रेड करना है, कम करना है, अपग्रेड ज़्यादा करना है, मैक्स करना है, वो सब मैं इन्फॉर्मेशन तुमको देने वाला हूँ। सो ये स्टे ट्यून फॉर दैट। तो यह आज बहुत तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले वीडियो हमने मैक्स की बात की थी, टॉप 5 मैक्स एज अ फ्री टू प्ले प्लेयर। वो वीडियो अभी तो अपलोड की है, कल ही अपलोड की थी, तो उसमें व्यूज़ तो देखेंगे। पर तुमको तो पता है कि अकेले मैक्स कुछ नहीं कर सकते, तुमको वेपन्स भी अच्छे चाहिए उन पर लगाने के लिए। तो मैं वही बोलूँगा कि यू शुड स्टे, यू नो क्या कहते हैं, वही कि तुमको पता रहना चाहिए कि तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए कि तुम्हारे पास वेपन और मैक्स कौन से होना चाहिए एज अ फ्री टू प्ले। अगर तुम पे टू हो ना तो तुमको ये देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम देख सकते हो क्योंकि तुमको भी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर फर्स्ट वेपन। सो अवर फर्स्ट वेपन इज जेवलिन ड्रैक। देखो, मैंने पहले ही बोल दिया है कि पावर वाइज ये कुछ नहीं है ये लिस्ट, ठीक है, तो सब इक्वल है। मैं बताऊंगा कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन क्या क्या किस में प्रोज और कंस है, और ये उस हिसाब से मैं सब तुमको बताऊंगा। सो फर्स्ट आते हैं जेवलिन ड्रैक। तुम किल शॉट पे लगा सकते हो इन अर्ली गेम, लेट गेम में मैं ये तुमको रेकमेंड नहीं करूँगा। पर एज अ फ्री टू प्ले अगर तुम अर्ली गेम में हो, तुम्हारी स्क्वाड पावर करीब 3000 या 2000 से कम है, 4000 की अलग बात है पर 3000 उससे कम है, तो तुम जेवलिन ड्रैक यूज़ कर सकते हो काफ़ी इफेक्टिवली। इसको तुम फ्री एज अ फ्री टू प्ले बाई कर सकते हो, इतना महंगा भी नहीं आता, बस तुमको थोड़ी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी इसके लिए, जो कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सो ये वेपन की खास बात यह है कि देखो, इसमें जब मिसाइल की तरह तुम एक बटन दबाओगे तो सारी इसकी मैगजीन खत्म हो जाएगी। तो इसका एक बुरी बात यह है कि अगर तुमने गलती से भी बटन दबा दिया और अगर मिस हो गया, तुम तुम्हारे शॉट एनिमी को नहीं लगे, तो एनिमी के पास काफ़ी सारा टाइम 9.7 सेकंड रिलोड स्पीड रहा है ये, तो एनिमी के पास 9.7 सेकंड रहेंगे तुमको ख़त्म करने के, तो दैट इज़ वेरी क्रूशियल। सो यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज़ दिस वेल। सो इनका डैमेज भी काफ़ी अच्छा है, 12,000 है, पर इसका डबल डैमेज और पीछे से जो डैमेज करता है वो मिला ले तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है एनिमी को। तो इसमें अच्छी बात यह है कि एनिमी अगर कवर में भी हो, तो अगर सिनारियो अच्छा हो, कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हो, तो तुम फिर भी एनिमी को मार सकते हो। इसको टूर्नामेंट टनल ऑफ फेट या फिर हैंगिंग गार्डन जैसे तुम मैप्स में इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, CPC में काफ़ी अच्छा काम कर जाएगा। किल शॉट के साथ इसको तुम यूज़ करो तो बहुत अच्छा कॉम्बो है। किल शॉट की स्पीड, उसका मिले डैश विथ जेवलिन ड्रैक 6 बहुत अच्छे से काम कर जाता है। मैं इसको बोलूँगा, रेकमेंड नहीं करूँगा इसको अपग्रेड करने के लिए, 5 स्टार मैं बोलता हूँ मत ही करो, तो अच्छा रहेगा क्योंकि इसके बाद जो वेपन आने वाला है उनको तुम ज़्यादा अगर अपग्रेड करोगे तो तुमको ज़्यादा फायदा होगा इससे। सो या दैट्स इट, इज ओवरऑल वेरी गुड वेपन, बहुत अच्छा डैमेज है इसका, तुम इससे बहुत सारे किल फार्म कर सकते हो इन अर्ली गेम, नॉट इन लेट गेम, बट या इट इज़ क्वाइट गुड। सो यप, लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकेंड वेपन। ओके, सो अवर सेकेंड वेपन इज ऑफकोर्स लॉन्ग आर्म 10, नॉट लॉन्ग आर्म 12 और लॉन्ग आर्म 10 अच्छी है, 12 तो पेड विन के लिए है, लॉन्ग आर्म 10+8। मैं 8 को अपग्रेड करने को नहीं बोलूँगा, 8 घटिया है। तुम इसके साथ यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग आर्म 10 को तुम अपग्रेड कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छा है। इन अर्ली गेम लॉन्ग आर्म इज़ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट, बिकॉज पैंथर के साथ लॉन्ग आर्म 10+8 अगर तुम अर्ली गेम में हो तो इट विल बी वेरी गुड कॉम्बो। अगोरा हैंगिंग गार्डन से जो लॉन्ग रेंज मैप है उसमें भाई लॉन्ग आर्म 10 और 8 बहुत अच्छे काम करेगा, और तुम्हारा हाई लेवल है लॉन्ग आर्म 10 तो पहले शॉट में मोस्ट प्रोबेबली एनिमी ओवरहीट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि ओवरहीट होगा तो तुम सेकंड शॉट मारोगे या तुम्हारे टीममेट उस एनिमी को मारेंगे, सो उसका डैमेज बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा डैमेज पड़ेगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल होगा। तो इसमें क्या, क्लोज रेंज के लिए घटिया वेपन है क्योंकि क्लोज रेंज में तो मोस्टली इसके शॉट लगते भी नहीं और ऊपर से बहुत कम डैमेज पड़ता है। फॉर लॉन्ग रेंज इट इज़ एन ओपी वेपन, क्योंकि नॉट ओनली डज इट डू मोर डैमेज बट इसका एम लेना भी और उसका ओवरहीट इफेक्ट
को अगर तुम देखो तो इट इज़ प्रेटी गुड, बट इसकी दिक्कत यह है कि इसकी मैगजीन अगर तुम बुलेट काफ़ी ईजी है तुम्हारे लिए, इसके सारे बुलेट लाइक मोस्ट ऑफ द बुलेट मिस करना या फिर तुम्हारी सारी बुलेट में अगर एनिमी ना मरा तो एनिमी के बहुत ज़्यादा चांस है वो तुमको डिस्ट्रॉय कर देगा लॉन्ग रेंज से किसी और से। ओके सॉरी गाइस, मेरे को थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी मेरी वीडियो में, पर कोई बात नहीं है, अभी कैन कंटिन्यू राइट नाउ। सो हाँ, कहाँ पे थे हम? हाँ, लॉन्ग आर्म पे। सो मैं ये बोला था कि अगर तुम इसको मिस कर दोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी क्रूशल रहेगा, क्योंकि तुम इजीली खत्म हो जाओगे एनिमी, तुम खत्म कर सकता है क्योंकि इसका रिलो टाइम बहुत ज़्यादा है। पर ओवरऑल फॉर लॉन्ग रेंज इट इज़ प्रीटी ओपी वेपन। मैं बोलूँगा तुम लॉन्ग आर्म टेंट को 5 स्टार तक अपग्रेड कर सकते हो, पर तुम 6 स्टार तुम्हारी मर्जी, अगर तुम डू इट एट योर ओन रिस्क। लाइक हाँ, काफ़ी अच्छा है लॉन्ग आर्म 10 डबल भी, डबल लॉन्ग आर्म 10 भी काफ़ी अच्छा है, पर इन यू नो इन लेट गेम यू विल प्रेफर रेल गन एंड EM राइफल मोर देन लॉन्ग आर्म। बट स्टिल विथ रेल गन लॉन्ग आर्म डज लाइक रेल गन के साथ भी लॉन्ग आर्म काफ़ी अच्छे से लाइक शूट होती है, उससे भी ओवर हीट होता है तो बहुत ज़्यादा उससे भी हेल्प मिल जाती है। तो यार लॉन्ग आर्म इज अ ओवरऑल गुड वेपन, आई रिकमेंड इट टू यू, रिकमेंड यू टू यूज इट एज अ फ्री टू प्ले प्लेयर इन द अर्ली गेम। यू कैन इवन यूज इट एज अ लेट गेम, बट इट वॉन्ट वर्क दैट कन्वीनियंटली। एनी वे, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर थर्ड वेपन। ओके सो अवर थर्ड वेपन इज ऑब्वियसली एक्टर इन 10। लाइक ये काफ़ी ओपी वेपन है, सीरियसली दिस वेपन इज क्वाइट ओपी। और इसमें एक्टर एंड 10 और 6 दोनों इंक्लूडेड है। एक्टर एंड 6 तुम बाय कर सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड इट टू रिकमेंड यू टू अपग्रेड इट, बिकॉज यू नो इट इज़ ओनली फॉर अर्ली गेम, एंड इफ यू अपग्रेड इट मोर देन इट विल बी यूजलेस, इट विल बी ओनली अ वेस्ट ऑफ एकॉइंस, बिकॉज यू विल प्रोबेबली स्टॉप यूजिंग इट वैन यू गेट टू अ सर्टेन स्क्वाड पावर। सो यप, लॉन्ग आर्म 8 and 6 को तुम अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो बस 7 लेवल तक करो, रैंक अप करो ना, इसका 4 स्टार में बहुत इनफ है एज अ अर्ली गेम। इन अर्ली गेम भाई ये बहुत अच्छा काम करता है 8 and 6। तुम इसको एनिमी के फाड़ सकते हो, एरीज पे लगा सकते हो, इसको किलशॉट पे लगा सकते हो, भाई बहुत ओपी है 8 and 6 का डैमेज। इसकी मैगजीन को तुम देखोगे यूज़ करोगे तो तुमको इसकी मैगजीन का सीन पता चल जाएगा, रेलियन जैसी ही है, और तुमको इसके टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैगजीन खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा रिलोड जल्दी हो जाता है और ओवर टाइम इसकी मैगजीन रिलोड होती है, तो तुम मिस भी करते हो बहुत सारे राउंड्स, तो कोई तुमको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस कोई तुमको सिस्टम क्लैश कर दे गार्डियन से। बट ओवरऑल इसकी रेंज की बात करो तो इसकी रेंज 4 स्टार पे 30 मीटर है एंड 5 स्टार पे इसकी 40 मीटर रेंज हो जाती है। तो you know you need some implants to increase this range, because in this range you can't do shit. 40 or 30 meter ki range kuch zyada hoti nahi hai, to tum 2v2 ya aise close range maps mein ya like you know acropolis ya 2 acres mein iska acche se use kar paoge, kyunki wo close range aur like you know congested jagah hai unme, to tum like probably aur iski chain lightning bhi bahut achhi hai, tum like tumhare सामने 2 चिपके हुए मैक्स हो तो तुम दोनों को डैमेज दे सकते हो, काफ़ी कन्वीनियंट है। तो इसका डैमेज 8 and 6 का भी 4 और 6 और 10 दोनों का ज़्यादा है, तो 8 and 6 तो अर्ली गेम के लिए अपग्रेड मत करना, बस 4 स्टार और 7 लेवल कर देना। 8 and 10 तुम 6 स्टार कर सकते हो, मैक्स भी कर सकते हो एज अ फ्री टू प्लेयर, ये तुम्हारा सेवियर है। तुम 8 and 10 डबल 8 and 10 को एक्चुअली कहीं भी लगा सकते हो, तुम जफर भी लगा सकते हो, ऑल्दो आई डोंट रिकमेंड इट, क्योंकि जफर अब 3 सेकंड का स्टन करता है और 8 and 10 क्योंकि अब उससे अच्छा काम करता नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम 8 and 10 मोस्टली किलशॉट और गार्डियन पे लगाओ, क्योंकि ये दोनों क्लोज रेंज मैक है। पैंथर भी लगा सकते हो, पर पैंथर एक लॉन्ग आर्म के लिए बना हुआ है क्योंकि वो एक लॉन्ग रेंज मैक है। तुम किलशॉट और गार्डियन ये दोनों बहुत अच्छे मैक्स है, इनके साथ तुम 8 and 10 एज ए क्लोज रेंज वेपन एंड मैक लगा सकते हो, बहुत अच्छे काम करेगा। 8 and 10 डबल एक ओपी डेडली कॉम्बो है, ये मेरा फेवरेट अभी तक पूरे हैंगर में, डबल 8 and 10 एज अ फ्री टू प्लेयर ओपीएस्ट कॉम्बो है, इससे एनिमी खत्म हो जाता है। सो यप, लेट्स मूव ऑन टू अनदर फोर्थ वेपन। ओके सो यू हैव प्रोबेबली गेस्ड इट, आवर फोर्थ टॉप वेपन फॉर फ्री टू प्ले प्लेयर इज ऑफ कोर्स मिसाइल पैक। सो यप, मिसाइल पैक 8 और 6 आई डोंट रिकमेंड इट, 8 ही तुम्हारे लिए बेस्ट है, 6 बाय वैसे क्रेडिट में ही आता है 6, तो जहाँ तक मुझे याद है, तो 6 वाला तुम बाय कर सकते हो अगर तुम सेव अप कर रहे हो, तुम्हारे सेव अप कर रहे हो कॉइंस 8 वाले वर्जन के लिए, तो तब तक तुम 6 खरीद सकते हो। ऑल्दो आई डोंट रिकमेंड यू टू अपग्रेड इट, बट
तुम 4-star को तो आता ही है, तुम 7-level कर दोगे इसको with like a Samsung or some pilot like Neymar Junior, it works very well. मैसाइल लाइक 6 बहुत अच्छा ज़्यादा डैमेज देता है, पर जस्ट लाइक जैवलिन लाइक भाई ये एक तुम बटन दबाओगे तो पूरी मैगजीन इसकी खाली हो जाएगी. इसकी दो खास बातें हैं, एक तो ये जफर पे इसका डैमेज ज़्यादा है, और ऊपर से जफर या सर्ज या बैशन ये भी कर लेते हैं अपनी एबिलिटीज से. सो यू वॉट यू कैन डू इज वो ई एम पी करे उससे पहले तुम अपने अगर मिसाइल रैक चला लो एनिमी पे, और बाई लक बाई चांस अगर तुम उनको हिट कर भी तुम्हारा टारगेट में चला जाए ना, तो बिफोर दे किल यू यू विल बी एबल टू किल दैम विथ योर मिसाइल रैक. और इसका एक खामी है कि अगर तुमने मिस कर दिया तो एनिमी के पास 10 सेकेंड का टाइम रहेगा तुमको ख़त्म करने के लिए, 10 सेकेंड बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसके रीलोड टाइम भी 10 सेकेंड है. तो ये इसकी थोड़ा डाउन साइड है, पर ओवरऑल इट इज़ अ प्रेटी गुड वेपन. इसका वो डैमेज भी ज़्यादा है, और लेट गेम अर्ली गेम दोनों में ओपी है. मिसाइल रैक 6 सिर्फ अर्ली गेम के लिए है, और तुम मोस्ट प्रोबेबली उसको हटा भी दोगे क्योंकि 6 वाले वेपन कोई लेट गेम में यूज़ ऐसे भी नहीं करता. अपग्रेड भी मत करना, पर मिसाइल रैक 8 तुम अपग्रेड कर सकते हो, और बाई चांस अगर तुमको क्रिएट से मिसाइल रैक 12 मिल गया हो जैसे मेरे को मिला था तुम उसको अपग्रेड कर लो डेफिनेटली. 6-star भी कर सकते हो, सेकेंड कॉपी बना सकते हो, काफ़ी ओपी सॉलिड वेपन है. सो ये ओवरऑल मैं मिसाइल रैक 8 में रेकमेंड करूँगा 6-star ना करना, क्योंकि ना तो उसकी सेकंड कॉपी होती है ना तो कुछ होता है. मेरा 5-star है, मैक्स है भाई, 5-star कर तो बहुत है. जफर के लिए बेस्ट है ये, जफर के EMP ये जल्दी भी मार देता है पीछे से 3 सेकंड के EMP में. आर्ट टेन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है, तो 6 सेकंड में 3 सेकंड में तुम शायद ही एनिमी को मार पाओगे पर कम चांस रहेगा. तो मिसाइल रैक 8 जफर के लिए बेस्ट है. सो लेट्स मूव ऑन टू अ लास्ट OP weapon for free to play players. So our last and legendary OP-est weapon is this shit. Man, भाई मैं क्या बोलूँगा ना यार, एक फ्री टू प्ले दिस लॉन्चर 12 भी फ्री टू प्ले है, पर उसके लिए तो कुछ 7,000 एक कॉइन ग्राइंड करने पड़ेंगे. तो अगर अगर और 8,000-9,000 एक कॉइन्स में तुम सर्ज, रेडॉक्स, रेलगन ये सब और कार्बाइंस नॉट टू फॉरगेट देम ये सब बाय कर सकते हो. सो आई कंसिडर्ड यू नो डिस लॉन्चर 8 इन देम, क्योंकि डिस लॉन्चर 12 मोस्ट फ्री टू प्ले प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है बाय करना, और मोस्टली जिन लोगों के पास डिस लॉन्चर 12 होता है उन्होंने पैसा दे के ही खरीदा होता है. होते हैं ऐसे फ्री टू प्ले डिस्लॉन्चर 12 प्लेयर्स, पर हाँ वो कम देखने को मिलता है. सो मोस्टली फ्री टू प्ले प्लेयर्स के पास डिस्लॉन्चर 8 होता ही है. तो डिस्लॉन्चर 8 की खास बात यह है कि तुम अगर तुम्हारे पास रेडियस का इम्प्लांट हो इसके साथ तो इसका डैमेज तो है ही, क्योंकि देखो पहले अपडेट के पहले ना ये इसका थोड़ा डैमेज कम था, पर अपडेट के बाद क्योंकि ये लेजेंडरी वेपन है इसका डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है. और क्योंकि इसका डैमेज इतना ज़्यादा है भाई तुम सीरियसली एनिमी को ख़त्म कर सकते हो. और दूसरी अच्छी बात यह है इसकी, जस्ट लाइक जनरल रैक तुम आराम से इसको बिना एम लिए ख़त्म कर सकते हो एनिमी को, अगर वो क्लोज इनफ हुआ और तुम उस पर एम ले पाए. आई रिकमेंड डिस लॉन्चर 8 को तुम 5-star ही रहने दो, 6-star कर सकते हो तुम, बट या इतना वर्थ इट भी नहीं होगा. होगा काफ़ी पावरफुल हो जाएगा डिस लॉन्चर 8, पर उससे अच्छा तो अगर तुम डिस लॉन्चर 12 के लिए सेव अप करो, या फिर रेलगन या ऐसा कुछ लेजेंडरी में क्या वेपन के लिए तुम सेव अप करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. डिस लॉन्चर 8 तुम 5-star 7-level कर दोगे तो काफ़ी ओपी हो जाएगा, इसका डैमेज भी ज़्यादा है, और सबसे अच्छी बात इसका रेडियस. एक्रोपोलिस मैप में क्या होता है ना कि अगर तुम रिकवर स्टॉकर लेके जाओगे अंदर घुस जाओगे टनल पे, तो बॉट्स अगर एनिमी टीम में हो तो वहाँ पे सब कूद जाते हैं एनिमी बॉट्स, तो वहाँ पे तुम डिस्लॉन्चर 1 को भी मारोगे ना तो सारे बॉट को डैमेज पड़ेगा. तो मैंने एक बार क्या किया था ना, एक बार टूर्नामेंट में एनिमी में 500 बॉट आए थे, तो 500 प्लेयर्स बॉट थे, तो 500 के 500 प्लेयर नीचे आ गए और मैंने 500 को ख़त्म कर दिया. क्योंकि देखो ब्रिक हाउस के साथ और स्टॉकर के साथ ये डिस्लॉन्चर 8 किलशॉट के साथ भी अच्छे से काम करता है, बट बेस्ट तो ये ब्रिक हाउस और स्टॉकर के साथ ही करता है काम. क्योंकि इसका देखो डैमेज अगर तुम प्रेडेटर ड्राइव या फिर ओवर चार्जर से तुम कंबाइन करते हो तो इसका डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है. ऊपर से इसके रेडियस भी ज़्यादा अच्छी है, एनी में अगर रियल प्लेयर हो तो उसको कवर के बिहाइंड भी कवर में हो फिर भी तुम उसको ख़त्म कर सकते हो. डैमेज दे सकते हो, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया डिस्लॉन्चर 8 का. और बैक डैमेज भी तुम इजीली लाइक कुछ वेपन्स में क्या होता है ना तुमको मैक के लिटरली पीछे जाना पड़ता है, पर डिस्लॉन्चर 8 से तुम आगे भी हो ना तो फिर भी तुम बैक डैमेज तुम एनिमी को कर सकते हो. ओवरऑल इट इज़ अ ग्रेट वेपन. इसका रिलोड स्पीड भी 6.6 सेकेंड ये नॉट दैट मच, मिसाल लाइक लॉन्ग आर्म उनके जैसा नहीं है, उनका बहुत ज़्यादा रिलोड टाइम है. तो डिस्लॉन्चर 6 तुम आराम से तुम आराम से अपग्रेड कर सकते हो. अर्ली गेम तो तुमको वैसे भी नहीं मिलेगा, पर इन लेट गेम डिस्लॉन्चर 8 तुम खरीद सकते हो और तुम यूज़ कर सकते हो. इट इज़ प्रिटी ओपी वेपन. उसका हिट कौन
रेडियस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर तुम पे अगर इम्प्लांट हुआ। सो या दैट्स प्रिटी ओपी वेपन। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने तुमको 5 बता दिए वेपन्स, जेलिनाक फॉर अर्ली गेम, लॉन्ग आर्म फॉर अर्ली गेम, आर्टर एंड 6 एंड 10 फॉर अर्ली एंड लेट गेम, मिसाइल रैकेट एंड डिस लॉन्चर 8 आर द टॉप 5 ओपीएस्ट वेपन्स फॉर फ्री टू प्ले प्लेयर्स। ये अब वेपन्स को तुम अपग्रेड कर सकते हो जैसे मैंने बताया। पर या अगर तो पे टू विन हो तो तुम लाइक EMRI से वेपन्स तुम खरीद सकते हो आराम से। तो ये आप गाइस फ्री टू प्ले। अब मैं तुम कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ मेरे फेलो प्लेयर्स के साथ, क्योंकि यू नो मुझे भी दर्द पता है तुम लोगों का, क्योंकि पे टू विन हमेशा स्ट्रगल लेता है फ्री टू प्ले प्लेयर को। सो ये आप गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।